नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। सरकारी स्कूलों के शिक्षक कृपया ध्यान दें, आपके लिए ये नई नियमावली बनाने जा रही है हेमंत सरकार। पुराने शिक्षकों के लिए स्थानीय भाषा या विषय के आधार पर स्थानांतरण मुश्किल दिख रहा है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के वैसे शिक्षकों की परेशानी बढ़ सकती है जो अपने अंतर जिला स्थानांतरण की इच्छा रखते हैं। उनका स्थानांतरण उनकी भाषा और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय के आधार पर फंस सकता है। ऐसा स्थानांतरण नियमावली को लेकर सरकार के एक फैसले के कारण हो सकते हैं। दरअसल झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने फैसला किया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण भाषा और विषय के आधार पर किया जाएगा। मतलब जिस जिले में जो भाषा बोली जाती है उसी के बिहाव पर शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया जाएगा। वहीं ऐसा नियम लागू होने पर 2015-2016 के पहले नियुक्त शिक्षक इसका लाभ नहीं ले सकेंगे और उन्हें अंतर जिला स्थानांतरण में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि झारखंड में वर्ष 2015 से पहले स्थानीय भाषा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती थी। वहीं प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति विषयवार नहीं होती है। ऐसे में इनके पुराने शिक्षकों के लिए स्थानीय भाषा या विषय के आधार पर स्थानांतरण मुश्किल दिख रहा है। इसमें उन शिक्षकों का भी स्थानांतरण नहीं हो पाएगा जो म्यूचुअल स्थानांतरण करना चाहते हैं या जिनके पति या पत्नी दूसरे जिले में सरकारी नौकरी कर रहे हों। ऐसे में झारखंड सरकार को 2015-16 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में संशोधन करना होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।